पूरी लकड़ी का ढेर लेके जा रही है आग जलाने के लिए। ले हम ऐसे जाते थे अपने घर की तरफ यहाँ से पैदल 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 करके, लेकिन एक्चुअली जो हमारा आने का रास्ता था वो वहाँ से ही था। वहाँ से हम नीचे आते थे ऐसे करके अपने गांव की तरफ। तो ऐसे रास्ते हुआ करते थे एक टाइम पे जब अपना सामान लेके हम यहाँ से पहाड़ियों के नीचे नीचे होते होते जाते थे। तो अभी फ़िलहाल अब तो रोड आ गई तो काफ़ी अच्छा हो गया। ये पहले का टाइम ना वो अलग ही था, मतलब अपना सामान लेके जाना, अपना सामान कंधे में डाल के नीचे जाना। एक बार तो ऐसा हुआ कि पानी का जो कूलर था ना वो नीचे गिर गया, मतलब हम सीधा नीचे जा रहे थे तो पानी का था हमारे पास जैसे पानी पीने के रास्ते में पीने के लिए, तो वो नीचे गिर गया और यहाँ से इतना नीचे गया वो मिला ही नहीं, कहाँ मिलेगा। तो पहले कितनी मुश्किलें होती थी नीचे आने के लिए। आज भी जिनके पास गाड़ी नहीं है वो शॉर्टकट के लिए वो यहीं से आते हैं ऊपर दूर तक, वहाँ पे एक गांव है ठीक है, वो उधर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ओ देखो वहाँ पे भी एक गांव है उस एरिया में ना, वहाँ पे भी एक गांव है यहाँ पे गिरा। तो अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर ऊपर आया हूँ। तो यहाँ से अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मम्मी का जो घर है वो पड़ता है। यहाँ से अगर इस पहाड़ी से पीछे जाओगे तो उस एरिया पे मम्मी का जो गांव है वहाँ पड़ता है। तो हम जाएंगे, अभी हमारा प्लान तो बन रखा है कब जाते हैं, आज या कल देखते हैं। तो वहाँ जाने का, तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है। अभी तो मैं काफ़ी नीचे हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर जाओगे बहुत ठंड होती है वहाँ पे। जहाँ से मैं आपको हिमालय दिखाऊँगा तो वो एरिया जो है ना वो पूरा, मतलब वहाँ से पूरा बर्फ़, इतनी बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे। ऑलमोस्ट अभी टेम्परेचर अगर यहाँ पे 11 है, 11 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर टेम्परेचर रहेगा 6-5 ऐसे रहेगा। तो वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, अभी इस टाइम पे बर्फ़ पड़ी नहीं है, ये 2-3 साल में एक बार पड़ती है ज़्यादा। मैंने अभी यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनसे मैंने पूछा तो कहते हैं कि यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो 2-3 साल में ऐसा पड़ती है कि जो यहाँ पाँव तक इतनी बर्फ़ पड़ती है। तो फिलहाल अभी मैं ऊपर ही आ रखा था, थोड़ा अच्छा मौसम हो रखा है, धूप भी अब थोड़ी कम है आज, धूप भी इतनी नहीं है। मौसम में आज पूरे बादल लगे हुए हैं, ऊपर देख रहे होंगे ये देखो पूरे बादल लगे हुए हैं आज, तो शायद संभावना है कि बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश हो जाए फिर ठंड थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो फिलहाल अभी हमारा यहाँ का जो डे है वो हो चुका है 15 दिन हम अभी गांव में हैं। और मेरे व्लॉग्स, डेली के व्लॉग्स मैं वहाँ डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ के 15 डेज़ का कि मैंने अपने ब्लॉग बनाए हुए हैं, जहाँ से हम चले और यहाँ तक का हमारा जो भी सफ़र रहा अभी तक का वो हमने सब वीडियो में मैंने वो कवर किया हुआ है। तो जाके आप देख सकते हैं मेरे @UttarakhandiGSM ब्लॉग्स पे। फिलहाल अभी घर का भी काम चला हुआ है तो सुबह सुबह आते हैं मज़दूर यहाँ पे खाना पीना खा के, तो अभी अपना काम कर रहे हैं, तो मैं भी उसकी वीडियो बनाऊँगा अभी धीरे, तो टाइम है अभी हमारे पास तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए मैं आपको एक जगह लेके जाऊँगा, वो जगह मैंने सोची नहीं थी कि मतलब ऐसे भी, मतलब जो हिमाचल में बोल सकते हैं कि लोगों ने घर बनाए हैं, काफ़ी अच्छे घर बनाए हैं, जिनके चार्ज हम 20,000 रुपये देते हैं, एक एक दिन का देते हैं। तो वहाँ भी मैं रुका था, GB करके एक जगह है A-Frame, वहाँ भी मैं रुका था। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट आज हमारे उत्तराखंड में देखने को मिला मुझे, मुझे को बहुत अच्छा लगा। और मैं वहाँ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, उनसे बात भी कराऊँगा, उनको मैंने बोला भी है कि मैं आऊँगा, टाइम होगा मेरे पास तो मैं आपको उनसे फ्री होके एक बार ऊपर जाऊँगा, उनकी वीडियो बनाऊँगा। आप देखना क्या कंसेप्ट उन्होंने क्लियर किया है वहाँ पे, मतलब पहाड़ों में जो पहाड़ों के पहले घर हुआ करते थे उन्होंने उस चीज़ को इतना अच्छा रेनोवेट कर रखा है कि मतलब मुझे को बहुत अच्छा लगा यार। और आप आइएगा वहाँ पे रहने के लिए, वो यहाँ से मम्मी के घर से ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 6-7 किलोमीटर आ गया, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। मैं कल वहाँ रुका, उनसे बातें करी तो उनको मैंने बोला कि मैं अभी आऊँगा फ्री होके, तो मैं अपने यूट्यूब में अपने दोस्तों को बताऊँगा कि यहाँ पे भी ऐसे घर हैं, जो ऐसे रिजॉर्ट हैं जो मतलब इतने सुंदर हैं, तो मेरा दिल खुश हो गया देख के। तो मैं अभी जाऊँगा वहाँ पर तो आपको बताऊँगा। अरे फिलहाल के लिए मैं अभी नीचे आ रहा हूँ, नीचे आके अपने देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या। अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह अभी खाऊँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, इसके बाद टाइम मिलेगा तो आपको वहाँ लेके ज़रूर जाऊँगा अभी इसी टाइम पीरियड में जब तक मैं हूँ यहाँ पे। तो गाइस चलते हैं, और फिलहाल ये है हमारा उत्तराखंड। ये बोला, ये धनिया है यहाँ, यहाँ है देखो, तो खा लेता हूँ ना एक बार।
धनिया दिखा देता हूँ, धनिया दिखा देता हूँ। ले 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 ले। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हो आप, इतना सामान लेके जाते हैं पहाड़ी और पे, पूरी लकड़ी का ढेर लेके जा रही है आग जलाने के लिए, और ये लेके आई हैं ऊपर से, इतने ऊपर से पहाड़ काट के, लकड़ियाँ काट के यहाँ से अभी लेके आई हुई हैं, तो अभी आग जलाने के लिए। तो वैसे यहाँ की औरतें कितनी मेहनती होती हैं वो दिखता है, और इतनी लकड़ी का ढेर लेके जा रही हैं सर पे। शहर की औरतों को बोल दो नहीं करना, वे नहीं करना, वो लगा लो, पीए लगा लो, मेट लगा लो। यहाँ की औरतें देखो सारे काम करती हैं, बच्चे मतलब रोटी बनाते हैं, बच्चे जिनके भी स्कूल जाने की एज है वो रोटी बनाते हैं। मतलब ये भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है, लोगों को सीखना चाहिए कि मतलब हर एक इंसान हर चीज़ कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। बात यही है, आज के लोगों में पैसा आ गया है ना, पैसा आ गया है तो काम पैसे से करा देते हैं, लेकिन ये गलत है। भगवान ने हाथ दिए हैं, सब कुछ दिया है, कर सकते हो तो करो यार। इतनी औरतें यहाँ पर काम कर रही हैं, शहरों की औरतों में तो ये हिम्मत नहीं है, ये करेंगे तो बोलेंगे यार थक गई, दो दिन बिस्तर नहीं उठेंगी ये करने के बाद। तो अभी देख रहे हो आप, पूरा का पूरा यहाँ से पूरा पेड़ जल गया है, पूरा पेड़ नहीं, पूरा का पूरा एरिया जल गया। आग काफ़ी तेज़ थी जो नीचे तक पूरी जंगल जला दिया उसने, पूरा जंगल। काफ़ी गलत हुआ, और नीचे तक पूरा धुआं ही धुआं हो रखा है, वहाँ तक पूरा धुआं धुआं। ओहो ये देखो पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखो पूरी आग लगी हुई है पूरे पहाड़ में, किसने लगाई ये आग, जैसे पूरी जलती भी आ रही है। मैं यहाँ तक पहुँचेगी ये पूरे के पूरे झाड़े जल जाएंगे, इतना को पूरा का पूरा जल गया है, देख लो पूरा जल गया, और काफ़ी नीचे से आग आ रही है, काफ़ी नीचे से वहाँ से पूरी आग ही आ गया। ओहो ये देखो कितनी तेज़ हो गई आग, आग तेज़ हो गई है बहुत। ओहो ये देखो गाइस पूरी आग ऊपर आ गई, पहाड़ी चने खाने, पहाड़ी चने। वैसे यहाँ के पहाड़ी चने हैं चटनी के साथ, आज मैं काफी ऊपर आया हूँ अभी, और मेरे को इतना सुंदर व्यू दिख रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे ठंड काफी है, और आपको मैं दिखाता हूँ मैं किस व्यू की बात कर रहा हूँ। आप व्यू चेक करो और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। अब देखो मैं धीरे धीरे जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो अब भी नहीं दिखा, अब दिखा, ये देखो गाइस पूरी बर्फ गिरी हुई है अभी उस साइड में, तो पूरी बर्फ गिरी हुई है, पूरी बर्फ। आपको थोड़ा सा अगर ब्राइटनेस कम करके दिखाऊं ना, तो आप देखो ये है पूरा हिमालय, यहाँ पूरी बर्फ गिरी हुई है अभी इस टाइम पे। अभी धीरे धीरे ये बर्फ, आपको लग रहा होगा कि अभी वहाँ पे अभी देखो बर्फ वहाँ पे नीचे भी आ गई है, धीरे धीरे इस एरिया में जहाँ पे मैं हूँ, ये है मम्मी का घर के यहाँ का रास्ता है ये, यहाँ से पूरी बर्फ गिरती हुई आएगी अभी, मतलब कुछ दिनों की बात है, फिर आप चेक करना यहाँ पे पूरी बर्फ पड़ी होगी, पूरी बर्फ अभी वहाँ तक आ चुकी है, पूरा बर्फ है, देखो पूरा चादर में घिर चुका है पूरा बर्फ। तो गाइस ऐसे भी होकर आपको उतना करना ना पड़ेगा, रील स्क्रॉल नहीं करनी पड़ेगी वहाँ पे, आप हार्ट बना के कमेंट बना के ऐसे नहीं सकते कि हाँ
आएंगे हम, आना पड़ेगा, टाइम निकालो ऑफिस छोड़ के, अपना टाइम वर्क निकाल के आ जाओ भाई यहाँ पे सीधा। ऐसी जगह आपको नहीं मिलने वाली। आप जब बूढ़े हो जाओगे ना, जब आपके घुटनों में पेन होने लग जाएगा, इसके बाद आप बोलोगे यार काश मैं वहाँ जा पाता। अच्छा है कि भाई अभी आ जाओ, 40 साल के बाद सोचोगे कि मैं आना चाहूँगा, लेकिन आ नहीं पाओगे उस टाइम पे, इसलिए कह रहा हूँ आ जाओ। ठीक है गाइस, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।